This is Vizan with another day, another vlog. आज का vlog एक और solo camping की series है. क्योंकि आज public holiday थी Adelaide में, तो मुझे सारे plans suddenly बनाने पड़े. तो मैं आपको लेके चलता हूँ solo camping adventure पे. जगह हमारे घर से ऑलमोस्ट 36 मिनट दूर है. जाते जाते जो है वो मगरिब का टाइम भी हो जाएगा, तो मैंने जल्दी से वहाँ पे जाना है और अपना कैंप सेटअप जो है वो करना है. बुकिंग जो है वो हुई है ऑलमोस्ट $52 टू नाइट्स की. तो यहाँ पे पेट्रोल भरवाना काफ़ी इजी है. ये एक स्कैनर लगा हुआ है, इसको स्कैन करना है. जैसे ही आप इसको ऐप से स्कैन कर लेते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कि कितना पेट्रोल आपने भरवाया है. लंबे सफर पे जाने हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लीन योर मिरर. तो यहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम दिया हुआ था ऑलरेडी. पब्लिक हॉलीडे है और पब्लिक हॉलीडे पे नॉर्मली वैसे होता है 160-170. $2.2 पर लीटर इन्होंने जो है वो कर दिया आज पब्लिक हॉलीडे के दिन. अभी जो एंट्रेंस है वो क्लोज हुई है. लेट्स होप कि मेरा पासवर्ड दिया वो चल रहा है. खुल जा सिम सिम. बुकिंग के मुताबिक मुझे जाना है सेंट जॉर्ज बेस कैंप और इन्होंने मुझे एक मैप भेजा, उसकी मैं इमेज यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगा. बिल्कुल अंधेरा है, जंगल में हूँ मैं इस वक्त, लेकिन क्या ही कोई खौफनाक मजेदार मंजर है. तो भाई मैं जंगल में डीप से डीप जाता जा रहा हूँ. सो ये रहा सेंट जॉर्ज. मुझे बस अब कोई एम्प्टी कार पार्क देखना है, चाहे मैं अपनी गाड़ी लगा सकूँ. कैंप ऑलमोस्ट मेरा सेट हो गया, सिर्फ पर कवर करना है और ये कुछ हुक्स फिट करनी है. तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर कैंप व्हेन इट्स डार्क. कीड़ों का भी खतरा होता है. ऑलवेज कैंप व्हेन इट्स मॉर्निंग. तो इसके ऊपर सिर्फ खाली कवरिंग डालते हैं, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे. चिकन टेंडर्स कुछ ले गया था लेकिन यहाँ पे ओवन ही नहीं है सैडली. कुछ बारबेक्यू के टेबल्स तो पड़े हैं, जिस तरह के ये एक टेबल पड़ा है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये साफ होंगे. आई वुड प्रेफर नॉट टू यूज देम. कुछ कैंप्स ये सामने लगे हुए हैं. मेरा कैंप इस बड़े दर्द के नीचे, वो एक वाइट डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर मेरा कैंप है. इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं. This is day 2 और finally मैं इस वक्त हूँ हैंड ऑफ में. हैंड ऑफ एडलेड हिल्स के अंदर एक पुराना जर्मन टाउन है और यहाँ का आर्किटेक्चर एक सिटी या जर्मन किसी पुराने विलेज की वाइब जो है वो देता है. दिस इज़ कैप्टन डर्क. 1804 से लेकर 1860 तक ये कैप्टन जिंदा रहा था. स्टैचूज का बड़ा शौक है यहाँ पे इनको. बॉयज एंड गर्ल्स ये चेक करो, और ये मेरे हाथ के जितना, इसका एक हाथ से भी बड़ा है, इसका एक लीफ है. और जितने भी बंदे आईटी के बैकग्राउंड से हैं, क्या ही मौज है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह. जहाँ से मर्जी बैठ के जो है वो काम कर लिया जाए. अल्लाह, इसमें तो 150 सिक्के पड़े हैं भाई. आ जाते हैं, चलो तो जाएगा वैसे. किसी जमाने में ये चर्च होता था, इन्होंने पकड़ के इसको शराब का अड्डा बना दिया. लाहो लालकूत हैंड ऑफ ब्रिंको. इस टाउन में आके ऐसे लगता है कि आप किसी यूरोप के किसी कंट्री साइड इलाके में आ गए.
ये चेक करें, गरम कुत्ता शॉप, होम ऑफ द पे हैं, ये कोई इन्होंने नई मिसाल लगा ली है, पिग डॉग। चल चल के तो वैसे मेरी बस हो गई अब। ये एक थाई रेस्टोरेंट, ये पहली कोई शॉप लगी है जिसकी मुझे खुशबू यहाँ तक फील हो रही है बेकिंग की। तो देखते हैं इनके पास कोई वेजिटेरियन चीज़ें पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई। अरे हाउ आर यू, इनकी वेजिटेरियन चीज कैसी है? ये कुछ लेमन टार्ट केक्स, यार ये चीज केक चेक करें। व्यूज तो भाई हम लोग कैप्चर करेंगे, बेशक वो चर्च में हो या कहीं भी हो, जो नेचर के व्यूज हैं क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस चर्च को अनकरीब एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि एटलीस्ट आबाद तो हो ये। आमीन, सारे बच्चे बोले आमीन, क्योंकि फिलहाल तो अभी ये चर्च बंद है, ना बंदा जा सकता है अंदर विजिट कर सकता है, लेकिन हम लोग इस तरह के मंजर जो है वो तो मिस नहीं करेंगे एक चर्च बंद होने की वजह से। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्लिक द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, क्योंकि भाई आपका बहुत मेहनत कर रहा है। कोशिश होगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालें, अच्छे अच्छे व्यूज जो है वो आपको दिखाएं एडलेड के, ऑस्ट्रेलिया के। तो दिस टाउन इज वन ऑफ द बेस्ट टाउन दैट यू कैन सी इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। इस टाउन में आपको डिफरेंट तरह की शॉप्स मिलेंगी, जिसमें से ज्वेलरी, ओपल, चॉकलेट, बेकरीज, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और चर्चेस भी हैं, गार्डन्स, पार्क्स। और अगर आप ऑटम सीज़न में आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अप्रैल, मई, जून, तो इस सीज़न में आपको जो ऑटम वाइब है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपका दिल जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत देख के खुश हो जाएगा। नो डाउट यहाँ पे चीज़ें तो काफ़ी, आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना है, लेकिन ये जो वाइब है नेचर की, ये आपको बहुत कम जगह पे मिलेगी। बॉयज एंड गर्ल्स ये चेक करें, ये साइकिल टांगी हुई है भाई, बहुत ही कदीमी। सोचें एक ज़माना होगा 18वीं-19वीं सदी में, जब इसके ऊपर कोई बैठ के अपनी तशरीफ़ रख के, काफ़ी सख्त सीट है वैसे, तो आई फील फॉर द पर्सन जो इस पर बैठा होगा, लेकिन क्या एक मास्टरपीस है पुरानी दुनिया का। बेल पता नहीं पिछती इसकी, नहीं भाई ना। एंड ये है क्लॉक शॉप, जर्मनी में कुकू क्लॉक्स हैं वो, एक जैसा घड़ियाँ बनी होती हैं जिसमें से चिड़िया बाहर निकलती है और आवाज़ निकालती है टी टू टी टू, तो उस तरह की यहाँ पे शॉप्स काफ़ी हैं, तो ये जर्मन क्राफ्ट्स के अंदर ही आती हैं। ये देखें बॉयज एंड गर्ल्स, एक जो फार्म इलाके हैं वहाँ पे कुत्ते बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि शीप्स के बहुत बड़े बड़े हर्ड होते हैं, उनको यहाँ पे डॉगी से कंट्रोल किया जाए, तो बड़ा एक प्यारा सा स्टैचूज बनाए हुए हैं। तो अरे शगुफ्ता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ अपनी अम्मा के पास, चलो शाबाश। और जहाँ पे बात होती है ऑस्ट्रेलियन कल्चर की, एबोरिजिनल्स, हर जगह पे इनकी निशानियाँ आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाती हैं, क्योंकि दे वर एवरीवेयर। एंड व्हेन गोरास केम टू ऑस्ट्रेलिया दे टुक देयर आइडेंटिटी फ्रॉम देम। एंड ये एक कैंडल शॉप भी है, एंड जो चॉकलेट शॉप की मैं आपको बात करता, दिस इज़ हैंड ऑफ स्वीट्स, यहाँ पे बहुत मज़े की चॉकलेट्स मिलती हैं। अभी क्योंकि सुबह का टाइम है इसलिए दी शॉप्स आंट ओपन, बट इट विल गिव यू अ जेनेरिक आइडिया ऑफ व्हाट दिस टाउन इज कंपोज्ड ऑफ। सी दिस इज ऑल्सो अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड सम डिजर्ट शॉप, फूड शॉप।
फाइनली चल चल के मुझे वो जगह मिल गई जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की थी। और ये रही मेरी गाड़ी, तो ये रहा मेरा ड्रोन का सेटअप। दिस इज द ड्रोन, दिस इज द कंट्रोलर, ये रही तीन बैटरीज, फ्लाई मोड कॉम्बो है। तो अब इस सिटी को कवर करेंगे हम लोग ड्रोन शॉट से। ये ड्रोन है बाय द वे DJI मिनी 4 प्रो, वन ऑफ द लेटेस्ट फ्रॉम DJI, एंड काफ़ी अच्छा ड्रोन है, काफ़ी प्यारे प्यारे शॉट्स से आते हैं। तो अभी चलते हैं कैंप की तरफ, कैंप की जाके सूरत हाल देखते हैं। आई हैव जस्ट अराइव्ड टू वुड हाउस एडवेंचर पार्क, एंड यहाँ पे रिसेप्शन, ये बेसिकली नक्शा बना हुआ है। रात को मैंने यहाँ पे क्याम किया था। तो ये कुछ डिटेल्स इन्होंने मुझे दी हैं चेक इन के दौरान। और नाउ आई विल जस्ट वेयर दिस बैंड, इट्स रिस्ट बैंड मैंने पहन लिया। रिसेंटली मैंने ये दो चीज़ें बाय की थी, एक गैराज सेल से, ये रग है जो रात को मुझे काफी सर्दी लग रही थी, तो मैं कैंप में बिछाऊंगा रग। सो दिस विल बी माय लंच, चिकन टेंडर्स विद पेरी पेरी सॉस। पहली एक्टिविटी जिसका मैं आगाज करने लगा हूँ वो है स्टैग्स एक्टिविटी सेंटर। तो राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ स्टैग्स एक्टिविटी सेंटर। यहाँ पे कुछ फ्रिस्बीज भी पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आएँ, फ्रिस्बीज खेल सकते हैं। देयर इज़ दिस रॉक क्लाइंबिंग वाली जगह जहाँ पे आप के बच्चे जो है वो रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, एंड देन देयर इज़ दिस बास्केटबॉल कोर्ट। काश मैं बच्चा होता, मैं भी इनकी तरह ऊट पटांग हरकतें जो है वो कर रहा होता। अब चलते हैं अगले एक्टिविटी पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है लेबरिंथ। ऑलराइट, लेट्स एंटर इनटू द मेज। मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है भाई, अगर मैं गलत हो गया तो फिर मुझे कौन ढूंढेगा। ओके, काफी वहां से मैं इधर हुआ अब। ओके, एक रास्ता ये जा रहा है नीचे, एक रास्ता ये है। दिस इज, आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, व्हाट एम आई? Dead end number 6. All right, yahan pe bhi hai rasta. Let's go over here. Oh, nice. Noise. Ek ye rasta hai niche ja raha hai. End mere khayal se wahan pe hai. Yahan se mujhe ek maze ka overview mil jayega. Mujhe waise ye maze mein enter hoge ek जो 90s के किड्स हैं उन्हें याद होगा कि एक वॉलपेपर होता था विंडोज़ में जिसमें आप जाते थे, बल्कि वो ऑटोमेटिकली चलता रहता था और ब्रिक वाला वॉलपेपर था, लेकिन इस मेज से मुझे वो वाइब मिल रही है। ऑलराइट, ये एक और डेड एंड है, इसमें भी रिडल है। आई एम रेड और ग्रीन एंड ग्रो ऑन अ वाइन, आई एम ड्राइड टू मेक रेजिंस एंड स्क्वीज टू मेक वाइन, ऑब्वियसली ग्रेप्स। But I think this is a dead end as well. But yahan pe riddle hai, what has hands but can't clap? What has hands but cannot clap? Do you guys know it? If you know it, leave it in the comment please. Are ye to wapas mujhe upar leke ja raha hai rasta jidhar main aaya tha, udhar hi aa gaya. It's pretty interesting. But yahan se ja ke bhi mujhe andaaza nahi hua ki ye maze jo hai band hai. Now let's go towards an alternate path. All right, ये रास्ता तो वही है, हमने उस तरफ जाना है। Okay, this is also another dead end. What can you break even if you never pick it up or touch it? Heart. आपका भाई 110 किलो का बंदा इस पोल से अभी उतरा है। I wish I could have shown you the video, but एक और डेड एंड। रिडल मी दिस, व्हाट काइंड ऑफ लाइन नेवर रोर्स? सी लाइन। व्हाट हैज वन हेड वन फुट एंड फोर लेग्स? वन हेड वन फुट एंड फोर लेग्स। ऑलराइट, तो ये एक और डेड एंड है। यू विल फाइंड मी इन मर्करी, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, बट नॉट इन वीनस और नेपच्यून। दिस वन इज टू ऑब्वियस, इट्स कॉल्ड आर 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 आर।
ये रास्ता भी आई थिंक डेड एंड है. What begins with T and finishes with T and has T in it. Nobody empties me, but I never stay full for long. यार बड़ी इन्होंने सोच विचार करके पहेलियां बनाई हैं. एक और डेड एंड. अरे ये तो मुझे लग रहा है मैं वापस आ गया हूँ. भाई ये बहुत खतरनाक भूल भुलैया बनाई हुई है ना. What word begins with E and ends with E but only has one letter? मुझे घर जाना है. ये जगह ही गलत. अरे भाई साहब कमाल हो गया भाई. कमाल हो गया भाई साहब. तो इस मेज चैलेंज से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हर जगह से आपको मायूसी नजर आए, तो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें. कोई ना कोई रास्ता आपको सीधे रास्ते पे ले ही जाएगा. लेकिन अपना माइंड ये बना लें कि आपने सीधे रास्ते पे ही चलना है. अगर माइंड नहीं होगा तो फिर आप भटकते ही रहेंगे. वैसे ये भी एक जगह है जो कि बच्चों के खेलने वाली है. एंड यू कैन ब्रिंग योर किड्स हियर एज़ वेल. लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज माउंटेन हिल. तो आई थिंक ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा. इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं. एंड लेट्स मेक इट अ टू पार्ट व्लॉग. तो मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर टू में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखें. चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.